मेरा नाम जुहेब है और आप लोग देख रहे हैं साइंस एंड रियलिटी फैक्ट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि अरब में जब शादी होती है तो किस तरीके से जो है वहाँ पर खाने वगैरह सर्व होते हैं और कौन से खाने होते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन खानों को तो आप जानते होंगे, पाकिस्तानी और इंडियन शादियाँ तो आप लोगों ने देखी होंगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अरब में किस तरह से शादी की तकरीब होती है और कौन कौन से जो है वो खाने यूज़ किए जाते हैं। तो मदीना मनौरा की एक शादी हाल में जो कि मस्जिद नबी से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है, और यहाँ पे आज हमारे एक दोस्त हैं जो कि मदीना की वीडियोस बनाते रहते हैं लेकिन अरबी में, हसन बरेक। आज से पहले भी मैंने कई मरतबा शायद जिक्र किया होगा, मेरी 2-3 वीडियोस में पहले भी आ चुके हैं। आज उनकी हमशीरा की यहाँ पे शादी है तो उन्होंने खसूसी दावत दी थी, तो वो ख़ुद तो बहुत बिजी हैं, शायद आज वीडियो ना बना सकें, तो उन्होंने कहा यार आप जो है ये कम अज़ कम एक यादगारी के लिए आप बना लें। तो ये मेरा पहला टाइम है कि मैं आपको मदीना लाइफ की ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो शादियाँ हैं वो कैसे होती हैं। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दुल्हे मियाँ हैं अभी फ़ोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इस्तकबालिया बैठी है। वैसे दूल्हे मियाँ की जो है कुर्सी यहाँ पे है, और जब आप दाखिल होते हैं तो यहाँ से सलाम करके अंदर वहाँ पे जो सामने लोग बैठे हैं हाल बना हुआ है उसमें जो है आपको बैठना है। अभी यहाँ पे जो है फोटोग्राफी हो रही है, हसन भी यहाँ पे मौजूद है, आइए आपको दिखाते हैं ज़रा एक से। भाई इनकी हमशीरा की शादी है आज, मबरूक मिनल मुताबईन। वल्लाह बारक फी उमर हबीब, आपकी तरफ से भी मुबारक दे दिया मैंने। कैफ फाहम से ला वल्लाह बस बाय तबारक ये बारक बस अल्लाह बारक हबीब वल्लाह। जी अभी जो है दूल्हे मियां को मुबारक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक अलैक इंशाल्लाह। अल्लाह बारक तुदुम फराह या रब, खलीक या रब लक अलहम्द, मुबारक अलैक अल्लाह नवर खैर इंशाल्लाह। मुबारक अलैक हबीबी तस्लम, अल्लाह बारक माशाल्लाह। हसन कह रहा है कि मेरे मामू की जो है वीडियो लाजिम बनानी तो नाराज़ हो जाएगा। मुबारक अलैकुम इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह कुल्ला मदार किधर। अच्छा, ये सारे इसके बहनोई हैं माशाअल्लाह तबारक। आइए थोड़ा सा आपको जो है शादी हाल दिखाते हैं इस तरफ। यहाँ पे जो है जूस वगैरह जो आते हैं माजी में उनके लिए, और यहाँ पे अरबिक जो कहवा है उसके लिए भी रखे हुए हैं चीज़ें यहाँ पे बखूर वगैरह के लिए। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सारी आवाम माशाल्लाह बैठी है, हर तरफ आपको हर तरफ नज़र आएंगे माशाल्लाह तबारक रहमान। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं शादी के लिए जो खाना है माशाल्लाह बड़ी बड़ी देगें जो है वो तैयार हैं, लेकिन अभी 10-15 मिनट बाकी हैं इनको क्या कहते हैं प्लेटों में रखने के लिए। ये देखें माशाल्लाह क्या है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गनम वाला हाश गनम माशाल्लाह, बकरों के जो है कब्जा माशाल्लाह ज़बरदस्त। या सलाम माशाल्लाह। जी इस वक्त जो है हम जहाँ पे खाना लगाया जाएगा उस हाल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अभी खाना नहीं लगा, लेकिन उससे पहले जो है ये अब बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग खाने को सर्व करते हैं और खाने को इंजॉय भी करते हैं। ये लोग अरबी जो है ज़्यादातर बकरे का गोश्त खाते हैं, ज़्यादातर बल्कि अमूमन बकरे का गोश्त ही खाते हैं। तो पुलाव मंदी टाइप का खाना इनका होता है, अगर पाकिस्तान और इंडिया से कोई है तो वीडियो देख रहा हो ज़रूर जानता होगा इसको। मंदी का इस्तेमाल ज़्यादा 90% वहाँ पर खानों में किया जाता है, जैसे कि अभी देगों में दिखाया कि कितना बेहतरीन तरीके से जो है चावल देगों में बन रहे थे। और बकरे का ही पुलाव होता है, मंदी कहलाती है। सलाद वगैरह और जो चीज़ें हैं पेप्सी वगैरह और साथ में जो पानी वगैरह ये चीज़ें रखी जा चुकी हैं, और वहाँ पे जो मेज़ आप देख रहे हैं उस मेज़ के ऊपर स्वीट्स जो कि खाने के बाद ही इनकी बारी होगी। उमारी है ना अब वजूद अहम से उमारी मुजफ्फर अदी खाइफिन अलैहा। उमाली जो है ये सबसे बेहतरीन स्वीट होती है। अब इधरवाज माफ़ है नाज असला, या सलाम। ये देखें ये जो है उमाली की स्वीट है, सबसे बेहतरीन स्वीट जो है ना आपको मदीना की शादियों में ये मिलेगी। कैफ वजूद बदून बदून उमाली इनफा मर रमा इनफा सह लाजा। अच्छा यहाँ पे देखें आप ये सारा जो हाल, अब इसमें जहाँ पे पानी वगैरह कम है वो रख रहे हैं, उस तरफ जो है चावल वगैरह जो इनका किचन है जहाँ पे खाना पकाया जाता है। हल ये देख बिलाफ़िया
ताकि मुझे शादी के बाद ना मिले खाने के बाद। या सलाम अल्लाह। अब आइए आपको ले चलते हैं जहाँ पे किचन है ना, खाना अभी अंडेला जा रहा है वो आपको सारा दिखाते हैं। आइए जी, इस वक्त शुरू हो चुका है। पहले देखें आप इस वक्त प्लेट में जो है खाना डाल चावल डाल रहे हैं, गोश्त जो है मेन उस वाले देग में है, बाद में जो है गोश्त उसमें डाला जाता है। माशाल्लाह एक चीज़ मैंने नोटिस किया है यहाँ पे, जब ये खाना अभी गोश्त डाल रहे हैं ना, जब फाइनल होगा ना नीचे से उसको ये देखें, ये नीचे से जो है ना एक उसको चमचा मारते हैं कि उठा लो आप, ये आप देखें। ये लगे अच्छा। खाना जो है वहाँ से ला के पहले यहाँ पे रखा जा रहा है, क्योंकि तादाद इन्होंने गिननी होती है कि कितनी तादाद में इन्होंने रखनी है। फ़िलहाल जो है पहले 25 टिप्सियाँ जाएंगी। आप 25 को जो है तकरीबन कितनी चेयर्स हैं, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 25 को 8 से ज़रब लगा दें, मतलब इतने बंदों का जो है खाना पहले उसमें जाएगा, फिर उसके बाद जो है सेकेंड ट्रिप लगेगा जो इन्होंने पहले। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बड़ी ज़बरदस्त मिठाई मशहूर है सऊदीया की, ये उन्होंने दिखाई है इसके अंदर, जो ख़ास तौर पे अरबी लोग बड़ा खाते हैं मिठाई खानों के साथ साथ, और खाने भी इनके बड़े लजीज होते हैं। और इन लोगों का जो एक ख़ास लिबास होता है वो भी आप देख रहे होंगे, उसी लिबास में ये लोग शादियों में भी जाते हैं और उसी लिबास में ये आमतौर पर भी घूम रहे होते हैं। उसमें खाना नहीं खाया ये, यहाँ पे जो है समोसे वगैरह वो चीज़ें रखी जा रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रहा, गर्म में ठंडा है भाई? ठंडा है, ठंडा है, दिखाना ज़रा एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये यार ठंडा है लेकिन जायका चेक करते हैं। आ जाए, हम पहले खा सकते हैं? अच्छा भाई साहब भी खा रहे हैं, क्या नाम है आपका? अलामीन। अलामीन अच्छा है। जायका बहुत अच्छा है। ये भाई शुरू कर रहे हैं खाना लगाना। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह भाई वाह। इस वक्त देख सकते हैं आप सुफरा जो है माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है। ये बड़ा एक चम्मच रखा गया है ताकि इससे जो है आप भर के, या अरबी में गर्फ बोलते हैं, मतलब वहाँ से लेकर छोटी प्लेट में डालने को। तो अभी इंशाल्लाह आई थिंक वो जा रहे हैं, अब जो जितने भी माजीम हैं सबको जो है बुलाया जाएगा खाने के लिए। तो अभी जो है खाना खोलेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह लोग आ गए हैं इंशाल्लाह। जी इस वक्त आप देख सकते हैं खाना जो है खुल चुका है। बिस्मिल्लाह ये देखें भाई, ज़बरदस्त। कैमरा मैन भी आ गए हैं जो कि वीडियो लेंगे यादगारी के लिए, लेकिन हम तो व्लॉग बना रहे हैं। अभी आप देखिएगा माशाल्लाह, यहाँ पे आपको भागम भाग नहीं मिलेगी, हर कोई आराम से ही आएगा। आप देख सकते हैं कितने सुकून से लोग आ रहे हैं। सुकून देख रहे हैं आपका लोगों को आने में? आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि सब लोग जो है माशाल्लाह इस तरफ खाने पे बैठ चुके हैं खैरियत से, लेकिन यहाँ पे किसी ने जो है कोई हल्ला गुला नहीं किया कि पहले प्लेटें भर लें ख़त्म हो जाएगा खुदा न खासा। मतलब एक तहजीब आपको नज़र आएगी, मतलब बिल्कुल आराम से माशाल्लाह खाना खाएंगे। और इससे ये फ़र्क होता है कि खाना जो है ज़ाया नहीं होता, जो बड़ा थाल बीच में रखा गया है उसमें से आप छोटी प्लेट में जो अपना खाना भर के खाना खा सकते हैं।
क्या ख्याल है, उमाली मिलेगी या ख़त्म हो गई होगी? आइए देखते हैं क्या सूरत हाल। मदीना मुनव्वरा में किसी भी शादी में अगर आप जाएंगे तो ज़्यादातर जो है सब्ज़ चाय ली जाती है, और इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, शुगर एंड बग़ैर शुगर के। तो आइए चाय जो है लेते हैं। हेलो, बस अरब के जो मशहूर खाने हैं, हमस है, मंदी है और मिठाई है, सब्ज चाय है, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई इस वीडियो के अंदर, और बड़े बेहतरीन तरीके से दिखाई है, और काफ़ी ज़बरदस्त खाना ये लोग बनाते हैं। मंदी जो है ख़ास तौर पे अरब से ही मशहूर हुई है, और हमस भी। तो ये डिश इनकी आपको जो है ख़ास तौर पर शादियों में भी मिलेंगी, और आम इनके घरों में जो दावत होती है वहाँ पर भी मिलेंगी। तो ज़बरदस्त तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरह से अरब में शादी को एंजॉय किया जाता है, जिस तरह से इंडिया में और पाकिस्तान में शादी को एंजॉय किया जाता है। अरब का अपना ट्रेडिशनल तरीका अपना अलग है, ये लोग रक्स भी करते हैं शादी में, और डिफरेंट तरह के इनके ख़ास के खाने होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मंदी बड़ी मशहूर है, ये लोग ज़रूर अपनी शादियों में रखते हैं, उसके साथ साथ समोसे और चाय वगैरह, मिठाई वगैरह भी थी। तो काफ़ी ट्रेडिशनल इनकी शादी होती है और डिफरेंट होती है इंडिया पाकिस्तान से और मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें। उम्मीद है आज की वीडियो में काफ़ी आपको मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।